हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, फिर एक वीडियो के साथ हाजिर हूँ आप लोगों के पास। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय मैं अपने गांव की पहाड़ी नदी में खड़ा हूँ। एक बार आप लोग पूरा नदी का सीन देख लीजिए। कुछ इस तरह का सीन है, देख लीजिए। ये कुछ इस तरह का सीन है। ये छोटा सा पहाड़ी नदी जो पहाड़ से निकल के आती है दोस्तों, और इधर दूर कहीं जाके कोई बड़ी नदी में मिल जाती है। लेकिन ये छोटा सा सुंदर सा साफ सुथरा पहाड़ी नदी, जिसका पानी आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कितना साफ सुथरा पानी, प्रदूषण नाम की कोई चीज नहीं। तो देखिए, यही है कुछ आज का सीन। और वहाँ मेरे पीछे धुंधला धुंधला सा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पहाड़। तो वो पहाड़ के बारे में आप लोगों को कुछ मैं बता दूं कि वो पहाड़ इंडिया और नेपाल का बॉर्डर एरिया है दोस्तों। उस पहाड़ के उस पार आप लोग जाइएगा तो अपना, हम लोगों का पड़ोसी देश नेपाल, जो कि बहुत ही शांति प्रिय देश है, तो नेपाल है। और यहाँ से तो ज़्यादा दूर नेपाल है नहीं, यहाँ से मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर यहाँ से नेपाल बॉर्डर पड़ता है। लेकिन यही है कि ये जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, आवागमन का कोई साधन नहीं है, पैदल ही जाना पड़ता है। तो उसी पहाड़ से नदी निकल के आती है, जो पहाड़ी नदी है। ऐसे नदी तो दोस्तों देखने में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि बहुत लंबा चौड़ा नदी है, लेकिन पानी इसमें बहुत कम ही रहता है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि पानी बहुत ही कम ही रहता है। हाँ, बरसात के दिनों में इसमें काफ़ी पानी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, जिससे आवागमन में भी काफ़ी बाधा पहुंचती है। हम यहाँ गाँव वासियों को, जो भी इस जंगल क्षेत्र में, इस पहाड़ी क्षेत्र में जो भी हम लोग बसे हुए हैं, जो भी गाँव है, सबको बहुत दिक्कत होता है आने जाने में। लेकिन क्या करें, अब गांव ही यहीं है तो गांव छोड़ के कहाँ जाए। तो यही है कुछ आज का सीन। ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, इस नदी का, खूबसूरत नदी का। और एक चीज़ और, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, वहाँ वो जो पहाड़, छोटा सा पहाड़। तो पहाड़ जिसमें हम लोग डेली सुबह शाम ऐसे घूमने टहलने के लिए आते हैं। और अभी भी मैं देख पा रहा हूँ, धुंधला धुंधला सा वहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ लड़के अभी भी वो पहाड़ में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि वहाँ जाके आप लोगों को कुछ उस पहाड़ का भी सीन दिखला दूँ। तो चलते हैं दोस्तों पहाड़ में, और एक बार और पूरा देख लीजिए ये नदी का, ये नदी का सीन कुछ देख लीजिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? ये नदी कैसा है, पहाड़ कैसा है, और यहाँ का ये जंगल और ये जंगली क्षेत्र कैसा है, कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जी, इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं मेरे तरफ से, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं उस पहाड़ में, और वहाँ से भी कुछ सीन आप लोगों को दिखला देते हैं कि पहाड़ के ऊपर से नदी, ये नदी कैसी दिखती है और ये नदी का सीन कैसा दिखता है। तो चलते हैं दोस्तों उस पहाड़ में। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी मैं इस पहाड़ के ऊपर आ चुका हूँ, और इस पहाड़ से आप लोग वहाँ नीचे देख सकते हैं कि नदी वहाँ कैसा दिखाई दे रही है। और वहाँ दूर आप लोग वहाँ देख रहे होइएगा,
वहीं से खड़ा होके आप लोगों को पूरा मैं पहाड़ के बारे में बता रहा था, दिखा रहा था। तो अभी तो मैं पहाड़ के ऊपर आ चुका हूँ, तो देख सकते हैं यही है कुछ सीन इस तरह का। देख लीजिए यहाँ से कितना सुंदर दिखाई दे रही है ये नदी, और यहाँ नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ नीचे भी देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यही था आज का कुछ सीन। और एक चीज़ मैं और आप लोगों को यहाँ दिखाना चाहूँगा, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं मेरे पीछे पूरा जंगल ही जंगल, बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पेड़। तो ये देखिए ये पेड़ देखिए कितना मोटा और कितना लंबा पेड़ है, आप लोग ऊपर भी देख सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं कि ये पेड़ ये सखुआ का पेड़ है, जिसका लकड़ी काफ़ी कीमती होता है, और इसके लकड़ी से फर्नीचर बनाने में बहुत ही टिकाऊ होता है, और बहुत कोई जानता भी होगा इसके बारे में, सखुआ के बारे में। और जिसको जानकारी नहीं होगा तो उसको मैं बता दूं कि ये बहुत ही कीमती लकड़ी होता है, और इसका लकड़ी और इसके लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर बहुत ही टिकाऊ होता है। तो यही है कुछ सीन आज का, और देख लीजिए ये पूरा जंगल कितना सुंदर जंगल है, इतने बड़े बड़े पेड़। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।